हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वहाँ पे हम चलते हैं और बाद में आपको बताता हूँ हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों ये रास्ता देख लीजिए, बौध सिटी से 20 किमी दूर है। इस जगह पे आते ही आपको बीच में दो नेम बोर्ड देखने को मिलेंगे। इस बोर्ड के बीच में से ये रास्ता आगे बढ़ता है चाड़वा रकाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा। इस जगह से आप चाड़वा रकाल जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए चावड़ा रखल पे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या व्यू है और कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, ये रिजर्व प्लेस, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का रिजर्व प्लेस में से एक प्लेस है, एक फॉरेस्ट इलाका है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते, अंदर क्या क्या है देखते और हम अंदर कहाँ पे घूम सकते वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं। दोस्तों देख लीजिए अंदर का व्यू कैसा है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का व्यू कैसा है देखते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। और सबसे पहली ये बात, आप लोग अगर पूरे दिन का यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप साथ में खाना भी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको और व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है पाक्सर लेक। कच्छ के एक राजा थे महाराज शिवराव पागमल जी के नाम से इस लेक का नाम पड़ा पाक्सर लेक। इस तालाब बहुत बड़ा है। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियां भी देखने मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मछलियों को खाना डालते हैं और देखते हैं कितनी मछलियां खाना खाने आती है। तो चलिए दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
तो चलिए दोस्तों हम ऊपर चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पे लोग फोटोशूट करने के लिए चलते हैं, तो हम भी ऊपर जाके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नीचे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नेचुरल जगह है, यहाँ का वातावरण भी काफ़ी बढ़िया और शांत वातावरण है और आप आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको विनती करता हूँ, आप लोग एक बार जरूर यहाँ पे आइए। दोस्तों ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है, बहुत साल पुराना लगता है। आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है? हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों हम इस रास्ते पे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दिखने को मिलता है। यहाँ से रास्ता आगे जाता है तो हम उस रास्ते पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पास में एक महादेव शिव का मंदिर है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। वहाँ पे जाके आपको दिखने में मिलेगा जो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुई है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो वहाँ पे शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट हुई है, इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे और बाद में वो भी दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से पश्चिमेश्वर महादेव, गुंदेश्वर महादेव से नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, लेपड़ से सावधान ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, आगे का जंगल में लेपड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप ये बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम आ गए भगवान शिव का मंदिर, सबसे पहले घंटी बजाते हैं। ये देखिए भगवान शिव का मंदिर कितना सुंदर है और यहाँ की शांति देखिए पहले दोस्तों आप।
चार दिशा में से पक्षियों के आवाज सुनने को मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर चलते, मैं आपको दिखाता हूँ जो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुई है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए अंदर का व्यू कैसा है, जो स्वयंभू प्रकट हुई शिवलिंग का दर्शन आप कर सकते हैं। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट भी आप देखिए कितना सुंदर, और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी बढ़िया है। और आप यहाँ का वातावरण देखिए, काफ़ी शांति है। यहाँ के अलग अलग पक्षियों का आवाज़ भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो, हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।